बरेली में मीरगंज थाना क्षेत्र के कुलछा गांव में आज सुबह उस वक्त चीख पुकार मच गई जब रामपुर में मौत के बाद एक बुजुर्ग महिला का शव गांव लाया गया, जिसे देखने के लिए बच्चे और महिलाएं मकान की छत पर चढ़े हुए थे। तभी अचानक छज्जा भरभरा कर गिर पड़ा। इस हादसे में कई बच्चों समेत 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में इलाज के लिए CSC ले जाया गया, जहां 4 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जबकि बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। जानकारी के मुताबिक मीरगंज थाना क्षेत्र के कुलचा खुर्द गांव निवासी गंगा चरण की 85 वर्षीय मां चमेली अपनी बेटी के यहां रामपुर जिला के ओसी गांव में रह रही थी, जिसकी बीती रात करीब 11 बजे मौत हो गई। वहीं सुबह करीब 8:30 बजे शव को उसके मूल निवास कुलचा खुर्द गांव में लाया गया, जिसे देखने के लिए बच्चे और महिलाएं करण मौर्य के मकान पर चढ़कर छज्जे पर बैठे हुए थे। तभी अचानक छज्जा गिर जाने से उस पर बैठे करीब 11 बच्चे और महिलाएं नीचे आ गिरे। इस हादसे में 18 वर्षीय अनीता, 19 वर्षीय शीला, 16 वर्षीय शिवानी, 6 वर्षीय अंजनी, 6 वर्षीय ऋतिक, 5 वर्षीय कार्तिक, 12 वर्षीय सुमन, 10 वर्षीय ज्योति, 22 वर्षीय उषा, 4 वर्षीय प्रियल और 35 वर्षीय ज्ञानवती समेत 11 लोग घायल हो गए, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। इसके बाद आनंद फानन में परिवारजन सभी घायलों को CSC मीरगंज लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल अनीता, अंजनी, ऋतिक और कार्तिक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। वहीं जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किए गए 4 घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस दौरान CMO ने भी वार्ड में पहुंचकर घायलों का हाल जाना। 70 वर्ष डेड हो गई थी ये, तो उसमें लास्ट हादसा आई थी, तो 56 थे ये, 76 था गला हुआ, गलता हुआ होगा, वो गया गिर ऊपर, ये हो गया। तो जो लोग क्या नीचे थे छज्जे के, क्या ऊपर थे ये सब बच्चे जो ऊपर थे? हाँ ऊपर थे। ऊपर से गिरा छज्जा? हाँ ऊपर से गिरा। कितने लोगों की चोट आई? लगभग लगभग आई 12-13 जन के। 12-13 लोगों की, बाकी और सब घर रह गए। अच्छा, किसी की ज्यादा हालत? हाँ। कितने बजे की बात है? लगभग 8 बजे की सुबह आज।